गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए जयकारा लगाएं गुरुदेव का। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय माँ आदि शक्ति। चलिए अब समय है श्री गुरुदेव रामलाल जी से आके बात करते हैं हम लोग। ध्यान के बाद गुरुदेव के सिद्धियों की बात करते हैं। सिद्धियों से जो परिवर्तन आता है हमारे जीवन में उसकी हम बात करते हैं। कोई जो अनुभव है हमारा वो सबकी तरफ पहुंचे, सब तक गुरुदेव का सिद्धियों का दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही गुरुदेव का जो है आदेश है हमारे सबके लिए। और उसी को रखते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारी समस्याएं हैं या जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं वो गुरुदेव किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो उसी को लेकर ये सेशन रहता है, अपने बदलाव का रहता है, प्रश्न किसी का रहता है तो उस पर बात करते हैं। आपका अगर किसी का कोई ऐसा प्रश्न हो या आपका कोई ऐसा बदलाव हो जिससे दूसरे को मदद मिले, दूसरे साधक को सहायता मिले, तो आप वो अपना बदलाव रख सकते हो, अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हो ताकि औरों का भी मार्गदर्शन हो उससे और आप ही मार्गदर्शन करो सबका। ठीक है, आपको कुछ ऐसा प्राप्त होता है गुरुदेव की तरफ से तो ऐसा कुछ अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को बांटो, अपने बदलाव को बांटो सबसे। तो आपने अगर किसी ने कुछ बात करनी है तो आप बात कीजिए। और कोई प्रश्न रखना है तो रख सकते हैं। किसी को कुछ बात करना है आज सुबह भगत भाई का फ़ोन आया था मुझे, उनका एक मैसेज है आप सबके लिए, एक मैसेज है मेरे लिए भी, मैसेज आपके लिए भी। और उनका यही है जैसे कि वो हमेशा बात करते हैं कि हमें गुरुदेव का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो वही उन्होंने यही मैसेज दिया है कि हमें सबको प्रचार करना चाहिए, सबको जितना हो सके प्रचार करना चाहिए। हमारी जो समस्याएं हैं वो एक तरह से हमारी गुरु दक्षिणा है हमारी गुरु के प्रति। जब हम प्रचार करते हैं गुरुदेव का, गुरुदेव हमसे कुछ भी नहीं लेते, जैसे आप सबको मालूम ही है गुरुदेव हमारी तरफ से कहते हैं कि कुछ नहीं, बस तुम नाम जपो ध्यान करो, कभी गुरु दक्षिणा नहीं लेते। लेकिन एक शिष्य होने के नाते तो गुरु दक्षिणा बनती है। तो वो वही कह रहे थे कि गुरुदेव का प्रचार करना ही गुरुदेव की गुरु दक्षिणा हो सकती है, क्योंकि हर शिष्य का फर्ज बनता है ना कि अपने गुरु के प्रति कुछ कार्य करे। तो वही वो कह रहे थे कि गुरु दक्षिणा समझ के कर लो कि अगर कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है, गुरुदेव का नाम जप रहे हो लेकिन समस्या नहीं सॉल्व हो रही, तो ये समझ लो गुरु दक्षिणा देने से शायद काम बन जाए आपका। तो आप गुरु का प्रचार करो,
प्रचार करो जिस माध्यम से हो सके, जितनी आपकी क्षमता है, जैसे ही आपकी क्षमता है आप प्रचार करो। उनका ये कहना था कि कम से कम 100 फोटोज तो हम, 100 लोगों को तो हम बताएं गुरुदेव के बारे में, कम से कम 100 लोगों को हम बताएं, फ़ोटो गुरुदेव की पहुँचाएँ। 100 फोटोज, 200 फोटोज बनवा लो आप, और टारगेट रख लो कि 10 दिन के अंदर मेरे को 200 फोटोज लोगों को देनी है। वो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि 100 फोटोज मिनिमम 100 लोगों तक पहुंचाओ और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करो, ठीक है। तो ये उनका, उनकी तरफ से था, और मुझे भी लगता है बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात उन्होंने कही है कि गुरु का प्रचार तो होना ही चाहिए। और वो जब ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि गुरुदेव मुझे ध्यान में कह रहे हैं कि मेरा प्रचार कराओ। और गुरुदेव ने, ये तो वैसे भी गुरुदेव के वीडियोस हम सुनते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अगर मेरी तस्वीर, ये प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, ये गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव के वीडियो में, अगर ये प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी दुनिया की। तो गुरुदेव ने ये कहा है, अब वो डायरेक्टली तो नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर प्रचार हो जाए तो कौन करेगा प्रचार, कोई मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं प्राणी प्रचार करने के लिए, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जो गुरुदेव से जुड़ा नहीं है। तो गुरुदेव की तस्वीर, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मेरा तस्वीर का प्रचार हो जाए तो किसने करना है तस्वीर का प्रचार, कौन होगा जो प्रचार करेगा, उनका शिष्य ही होगा ना। तो आप जितने भी शिष्य हो, जितने भी गुरुदेव से जुड़े हो, नाम जप रहे हो, तो ये आपका एक तरह से फ़र्ज बनता है, ये है, ये बात तो गुरु प्रति बनती है, हर शिष्य की बनती है कि वो गुरु का प्रचार करे। तो आप एक रेजोल्यूशन लीजिए अपने गुरु के प्रति, थोड़ी जिम्मेदारी उठा लीजिए। आप सभी प्रचार करते हैं मालूम है मुझे, लेकिन एक रेजोल्यूशन करके कि 200 फोटो है और मार्च, आज मार्च की 15 तारीख है, तो आप देख लीजिए कि मार्च में आपको कम से कम 200 लोग, अब आप रास्ते में जाते हो, रास्ते में जाते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। गुरु के प्रति आप 4 लोगों से बात करते, देखो दुनिया सारी एक जैसी ही है, दुनिया को बताओ ना, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं भी सुनेंगे, कुछ सुनेंगे कुछ नहीं भी सुनेंगे, उससे नहीं है। हमारी गुरु दक्षिणा देनी है हमें, अगर सच में है कि गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी गुरु दक्षिणा दी तो नहीं जा सकती, वैसे आपने जो हमारे लिए किया है, मानवता के लिए जो कर रहे हो आप, अपना सारा जीवन गुरुदेव ने दिया तो चुकाया तो नहीं जा सकता, गुरु का मोल, गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन आपने कहा है कि अगर आपकी तस्वीर का प्रचार हो जाए तो दुनिया में शांति संभव होगी, उसी शांति के लिए जिसके लिए आपने अपना जीवन पूरा बिताया है, उसी शांति के लिए गुरु दक्षिणा के स्वरूप में मैं आपका शिष्य, मैं आपकी शिष्य, आपके प्रचार के लिए 200 फोटो लेके चल रहा हूँ। अब इनको सही जगह पहुँचाना आपका ही काम है, मैं तो बस चल रहा हूँ लेके, और मुझे इतने समय तक ये फ़ोटोओं का प्रचार करना है। आप किसी एक हॉस्पिटल के बाहर एक दिन के लिए चले जाओ, एक दिन के लिए चले जाओ, वहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सड़क में जाके लोग सब्जी बाजार कर रहे हैं, वो नहीं मिलेंगे ना, कोई बात नहीं, एक हॉस्पिटल के बाहर आपको मिल जाएंगे। 100 फोटोज़ देनी, कोई रिक्शे वाले बैठे रहते हैं, ऑटो वाले बैठे रहते हैं, बस वाले बैठे रहते हैं, एक बस जा रही है, बस स्टैंड पर चले जाओ, बस स्टैंड में चले जाओ और वहाँ पर बांट दो, वहाँ पर लोग मिल जाएंगे। जो यात्री होते हैं ना, उनके पास कोई काम नहीं होता, वो विंडो सीट पे बैठे हैं और कोई काम नहीं है उनके पास, बस आप जाओ जी, थोड़ा सा बोल दो जी गुरुदेव का प्रचार करने आए हैं, आपको गुरुदेव की फ़ोटो देंगे, इनका नाम जपिए, ध्यान कीजिए, बांट दीजिए फोटो, और गुरुदेव का मंत्र जो है, गुरुदेव का एक ऑडियो है, ठीक है, गुरुदेव को बोल दीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, उसमें वेबसाइट लिख दीजिए गुरुदेव की, कि पीछे में वेबसाइट लिखी है, इंटरनेट पर ढूंढ लेंगे गुरु रामलाल जी, गुरु सियाग जी ढूंढ लेंगे, मंत्र सुना दीजिए, फ़ोन लेके जाइए अपना, एक बार मंत्र सुना दीजिए, बता दीजिए, लिख के दे दीजिए। गुरुदेव ने तो ये भी कहा है, अब बस वालों को नहीं सुना सकते, लिख के ले जाओ गुरुदेव का मंत्र, वो गुरुदेव को, गुरुदेव की फ़ोटो के पीछे लिख दो गुरुदेव का मंत्र, गुरु मंत्र और फोटो के पीछे लिख दो, अगर फोटो ऐसा नहीं है आपके पास जहाँ मंत्र लिखा हो। गुरुदेव को, गुरुदेव ने कहा ना, जब आप बोलोगे तो आप नहीं, मैं बोलूँगा। अगर ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे लोग नहीं समझ पाते, गांव के लोग हैं, बसों में आते हैं भर भर के, उनको नहीं पता चलता इंटरनेट क्या है, फ़ोन ही नहीं है उनके पास,
तो उनको फोटो दे दो। बोला फोटो में फोटो रखो, गुरु जी हैं और ये पीछे में मंत्र है, जहाँ भी आप रहते हो जिस लैंग्वेज में भी रहते हो उसी लैंग्वेज में लिख के उनको दे दो, गुरुदेव की फोटो दे दो। प्रचार करने के 100 ढंग हैं। हॉस्पिटल के बाहर एक दिन चले जाओ, मिल जाएंगे 100 व्यक्ति आराम से। अंदर जाने की ज़रूरत नहीं हॉस्पिटल के, बाहर जो आते हैं लोग, जो आ रहे हैं लोग, उनको दे दो। ऑटो वाले हैं उनको दे दो। 2 घंटे में आपकी 200 फोटोज हो जाएंगी। एक नहीं तो दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ। लेकिन हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। कब तक हम फेसबुक के सहारे बैठे रहेंगे, व्हाट्सएप के सहारे बैठे रहेंगे? इन्होंने कुछ नहीं करना, फेसबुक ने कुछ नहीं करना आपके लिए, व्हाट्सएप ने कुछ नहीं करना। मैं देख चुका हूँ फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं करते। ये लोग 2-4 लोग डालेंगे, वही 2-4 लोग आपके मित्र लोग हैं, आपके गुरु भाई गुरु बहन हैं, लाइक कर देंगे बस, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा लिखा। यही चलता रहेगा सालों साल, 1000 साल भी जिएंगे ना, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, वही 4 लोग आएंगे, जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया। नया आदमी एक भी फ़ोन नहीं आएगा आपको कि मैंने आपका देखा फेसबुक पे, बताइए। आ गया तो कोई विरला ही होगा जो फेसबुक से कांटेक्ट कर ले। फेसबुक पे मत डिपेंड रहो। सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग होती है वो मैं करता हूँ, बहुत सारे गुरु भाई हैं मिलके हम करते हैं। 2 फरवरी को किया था हमने, ठीक है, 2 फरवरी को किया था। उस समय कितने थे, 1600 के आसपास थे, अभी 2500 है, 900 लोगों के पास 1 महीना 10 दिन, 40 दिन में 900 लोगों तक, 900 लोगों ने उस वीडियो को पूरा देख लिया। तो वहाँ पैसा खर्चा हुआ है, वहाँ पैसा खर्चा हुआ है 20,000 रुपये इतने लोगों तक पहुँचने के लिए, फ्री में नहीं होता कुछ भी। तो सब ने मिल के पैसे उसमें डाले, तब जाके वो पहुँचा है इतने लोगों के पास। अभी भी चल रहा है वो, 2 तारीख तक चलेगा, 2 अप्रैल तक चलेगा। 2 महीने का या ढाई महीने का हमने उसमें फ़ंड जमा दे रखा है, तो वो चल रहा है। और वो पता कैसे चलता है, वो वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज आता है कि गुरुजी के बारे में हमें भी मिल जाए, हमें भी पता चल जाए, वहाँ से आता है, क्योंकि वहाँ पैसा दे रहे हैं हम यूट्यूब को, तो लोग देखते हैं, और जो देखते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन किसी ने कर लिया, आपका वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब किया, तो आपको उसको अच्छा लगा, इसलिए आपने आपके चैनल को उसने सब्सक्राइब कर लिया। तो उससे मैं ट्रेस करता हूँ कि इसने पूरा वीडियो देखा है। कोई कमेंट करता है तो उसको मैं अपना नंबर देता हूँ। और जो वीडियोज़ हैं, फ़ोन आते हैं, परेशान होते हैं लोग बुरी तरह से, कान से साउंड आ रहा है, हठ योग कर रहे, वो कर रहे, नाद वाला वीडियो है तो वो सुन के आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जो नाद की वजह से परेशान है, डॉक्टरों के पास 10,000 रुपये एक सिटिंग का लेते हैं सिर्फ डॉक्टर, और गुरु कृपा से वो नाद का वीडियो उनको दिया जाता है, फिर गुरुदेव के बारे में बताया जाता है, बहुत लोग जुड़े उससे। लेकिन वहाँ पैसा खर्चा करना पड़ता है, फ्री में नहीं, फ्री में नहीं है दुनिया चलती, ये कलयुग की रोकड़े की दुनिया है। फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे पैसे कमाने वाली कंपनियां हैं, और आपके गुरुदेव के पास पैसा भी नहीं और हमारे पास भी नहीं है। मिलजुल के कुछ करना है तो करो इंटरनेट पे, वरना जाओ बाहर, जो रियल है दुनिया बाहर में उनके पास जाओ, हॉस्पिटल्स में वो रियली दरकार है उनको, उनको वो मान जाएंगे आपकी बात, आपको दुविधा नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे जिन्होंने अपनों को खो ही दिया है, सारी उम्मीद ही खत्म हो गई है, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं है, बीमार लोग हैं बहुत, जाके देखिए एक बार। लेकिन प्रचार कीजिए, टारगेट फिक्स कीजिए, आपकी ये गुरु दक्षिणा है, और इस समय जैसे आपको गुरुदेव मिले हैं, आपको भी, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पहुँचो, 200 फोटोज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये रखो स्टॉक में। यही भगत भाई का यही मैसेज था, और वही मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा भी मानना है कि भगत भाई ने जो भी कहा प्रचार के लिए, ठीक ही कहा, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुरु प्रति, और उसे हम निभाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है, बहुत ख़ास जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये
पूजा ठाकुर जी कह रही हैं भैया प्रचार तो तभी कर पाएंगे जब हमें सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये प्रश्न मैं आपका लेता हूँ, ठीक है, ये प्रश्न मैं आपका लेता हूँ। अभी तक तो हमारे ही बुरे कर्म खत्म नहीं हुए, ये भी प्रश्न मैं आपका लूँगा। भैया मैं 3 मंथ से ध्यान कर रही हूँ लेकिन अभी तक मेरे गले की रसौली ठीक नहीं हुई, ये भी प्रश्न मैं आपका लूँगा। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि ये प्रॉब्लम। अच्छा करण, पहले पहले आप कुछ बोल रहे थे, मैं उधर चला गया था यूट्यूब पे, हाँ भैया, क्या बोल रहे थे करण? मैं कह रहा हूँ कि कोरा नाम की एक वेबसाइट है, उधर भी प्रचार किया जा सकता है। वहां पर लोग खुद चला करके आगे से अपने प्रश्न लिखते हैं, जैसे कुंडलिनी योग क्या होता है, चक्र क्या होते हैं, और ये अपने अंदर क्या मेडिटेशन कैसे हाँ, किया कोरा जाता एक है, अच्छी तो साइट लोगों के है। क्वेश्चन होते हैं तो रिलेवेंट आंसर मिलता है। हाँ हाँ, और वहां से भैया यकीन नहीं करोगे, मैंने लिखा है और दो तीन के मतलब 5-7 लोगों के मेरे पास फोन भी आए और इस ध्यान के बारे में पूछा है, हाँ और इस तरह से लोग जुड़े भी हैं। और उसमें से एक पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि एक अंकल है, वो 2 महीने से मतलब ऐसे ही ये चीज जो मैंने लिखी थी उसको पढ़कर उन्होंने शुरू किया, 2 महीने बाद उनकी रिपोर्ट है कि उनका जो इच्छा है और जो क्रोध है वो काफी कम हो गया है। हाँ, कोरा एक ऐसी वेबसाइट है, हाँ क्वारा कोरा एक ऐसी वेबसाइट है, क्वारा ना क्वारा, क्वारा QURA, हाँ यही तो है। हाँ, बिल्कुल, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी प्रश्न लिखते हैं और उनकी समाधान के लिए लोग बहुत सारे, लेकिन वहाँ भीड़ बहुत है करण, ये बात तुम्हारी सही है कि वो एक अच्छी साइट है, लेकिन सभी वहाँ पे नहीं काम कर पाएंगे। आप यंग हो ना, आप इन चीज़ों को समझ लेते हो, रिप्लाई कर लेते हो, मैंने भी यूज़ की है हाँ वो, मैंने भी काफ़ी हद तक उसको किया है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है, मेरा कहने का अर्थ ये। और फिर हमें अगर टारगेट लेना है कि हमें 200 फोटो पहुंचानी है, किसी भी हिसाब से पहुंचानी ही पहुंचानी है, तो हम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ा, अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है ना, अब तो बहुत ऑलमोस्ट चला गया है, इस अब क्या आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो गुरु जाने, लेकिन अभी हम बाहर निकल के जा सकते हैं और लोगों को फ़ोटो दे सकते हैं। एक दिन लगता है, हम एक दिन की फ़ोटो, एक दिन चला जाए हफ्ते में, फ़ोटो बांट दे और गुरुदेव के बारे में बताएं, हो सकता है, संभव है। और पीछे में लिख दो ना डिटेल, जो भी आपने लेके जाना, आपको पता है कि आप 100 लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फ़ोटो देनी है, पीछे एक वेबसाइट लिख लेनी है, ठीक है, आप मोबाइल नंबर लिख देना है, व्हाट्सएप कर दो सर इस पे, इस मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देना, आपको डिटेल भेज जाएगी। मेरा नंबर ही लिख दो, मेरा नंबर लिख दो, मेरा नाम लिख दो, राज शिव, व्हाट्सएप नंबर, आपको जो भी डिटेल चाहिए आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर देना, आपको डिटेल मिल जाएगा आपके मोबाइल पे, तो मुझे मैसेज आएगा किसने प्रचार किया है किसने नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं जानने की, ना मुझे ना आपको, किसी को कुछ ज़रूरत नहीं, बस गुरु का काम होना चाहिए। अगर आपको किसी और का नंबर नहीं मिलता देने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप दे दो, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पास सामान रहता है, कोई मुझे मैसेज आता है मैं उसको सारा 5 वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये वीडियोस देख लो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसकी जिम्मेदारी है, गुरुदेव की वेबसाइट है। हाँ मैंने एक तरीका और देखा है जो हाँ मुझे अच्छा लगा है कि मतलब हर सिटी में 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया जा सकता है, और वो ग्रुप जाकर किसी कॉलेज स्कूल में एक रिप्रेजेंटेशन दे पेपर फॉर्म में कि हम आपके यहाँ ये ध्यान ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मोर ऑफन देन नॉट वो अलाउ कर देते हैं, तो अलाउ तो कर देते हैं करण, ज्यादा लेकिन उसके लिए आपको एक लेटर चाहिए, ऑथेंटिक लेटर चाहिए एक। उसका आप तो मैं कोटा रिटर्न दे आश्रम से सकता जुड़े हूँ। हो ना, तो आपके पास लेटर रहता है, हमारे पास कहाँ से लेटर, हमें तो देंगे नहीं आश्रम वाले लेटर, ये तो मुझे पक्का पता है, मुझे तो वैसे ही नहीं देंगे वो, पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको। आप वो तो लेटर की आश्रम जगह से मतलब अपने हिसाब से छपवा सकते हैं, मैं उसका प्रिंट आउट दे सकता हूँ आपको कि नहीं, हम अपने आप हिसाब छाप से के दे कैसे देना। छिपा सकते उसको, मैं तो अपने हिसाब से जाता हूँ, मैं अपना नंबर देता हूँ, गुरुदेव की वेबसाइट है www.thecomforter.org, ये दो चीज़ें, गुरुदेव की जो चीज़ है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं लेटर मांगने जाऊँ तो मुझे लेटर थोड़ी देंगे ये लोग, नहीं उसका देंगे। लेटर के फोटोकॉपी करवा रखी है पुलिस वाले से। हाँ, ये आश्रम है, आश्रम को रिप्रेजेंट करके आपको बड़े संस्थान में जाने के लिए हो जाएगा एग्रीमेंट कि हम उस जगह से आए हैं, आप ध्यान करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है।
अगर आश्रम आपको कहे कि जाओ प्रचार करो, हम आपके साथ हैं। मुझे भी आज कहे आश्रम कि राशि आप सेशन करते हो, अगर आप प्रचार करना चाहो तो आप हमारा ये यूज़ कर सकते हो, तो मैं तो तैयार हूँ। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी उनके साथ, वो ही नहीं करना चाहते मेरे माध्यम से प्रचार। कोटा आश्रम कहे, कितने आश्रम है गुरुदेव के, किसी ने भी आज तक मुझसे नहीं संपर्क किया कि आप अकेले प्रचार कर रहे हो, आपको हम मटेरियल भेज देंगे। एक सेकंड जरा। हेलो, हाँ, हाँ, फ्लू का वैक्सीन। अरे हाँ, अच्छा बाड़ी तेशो, अभी तो सेशन चल रहा है मेरा, तो आ जाओ। हाँ नहीं आनो, नहीं आनो, नहीं आनो। ठीक है, चलो। जन्मदिन अच्छा, मैंने फ़ोन इसलिए ले लिया क्योंकि बाहर गए हैं फैमिली वाले, डॉक्टर के पास गए, अबे बीमार है, तो उसका फ़ोन था इसीलिए मैंने ले लिया। अच्छा, वायरल फीवर है और कुछ नहीं, वायरल फीवर है बस। अच्छा तो कुछ बात कर रहा था मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, स्कूल्स में कॉलेजेस में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं है किसी का भी। मैं अकेला ही कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, जितने गुरुदेव करवा रहे हैं, ये गुरुदेव का झंडा लगाया हुआ है, इसको सीधा करने का भी हक मेरे पास नहीं है, पूरा लगाने का भी हक मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं इसको मोड़ के लगाता हूँ कि किसी को कोई आपत्ति ना हो जाए, क्योंकि ज्ञान से पता नहीं क्या क्या विरोध है सबका, कि ज्ञान कोई ज्ञान की बात करे, किसी के अंदर अगर ज्ञान प्रकट हो जाए, गुरु कहते हैं ज्ञान प्रकट होगा, मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा है आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, सबको नहीं होती, किसी को हो जाए तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को कि हो सकती है ज्ञान की प्राप्ति। इतने सेशंस करने के बाद भी लोगों को लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ बैठ के, और मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, आज तक उनको यकीन नहीं है कि गुरु के माध्यम से ही चलता है जो चलता है सब कुछ। तो आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है, आप सब लोग स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, और आश्रम से लेटर ले सकते हो आप। अगर वो आपको प्रचार सामग्री भेजते हैं ना, वो कहते हैं ना प्रचार सामग्री ले जाओ, प्रचार करो, तो उनसे लेटर भी ले सकते हो आप। आप उनसे लेटर लो कि हमें जाना है प्रचार करने, लेकिन स्कूल्स में तो हमें पूछेंगे आप कहाँ से आए हो, तो जोधपुर आश्रम का, कोटा आश्रम है, और कौन से आश्रम है करण? क्या पता, एक अजमेर आश्रम है ये पता है मुझे। अच्छा, अजमेर आश्रम है, और जितने भी आश्रम हैं जहाँ पास में पड़ता है उसका कॉन्सेंट लेटर लीजिए और करवाइए लेटर प्रचार। तो शायद, लेटर तो यहाँ पर रामलाल भैया है, उन्होंने एक बार लिया था, बाकी उसकी कॉपीज ही निकाल रखी है बहुत सारी, तो मेरे भाई, मैं एक तो उसकी वही कह रहा हूँ, निकाल सकते हैं, कॉपी लेकिन भी। वो मिलना तो चाहिए आश्रम के, एक तो मिलना चाहिए, उस पे नाम लिखा होना चाहिए आपका कि उस पे तो नाम भी नहीं ये लिखा हुआ बंदा अभी। है, ये बंदा है, ये गुरुदेव का प्रचार करने के लिए अपने शहर में करना चाहता है, और हम इसे प्रचार प्रसार के लिए हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, तभी तो जाएंगे ना, बोलेंगे आप कौन है, आप कैसे एसोसिएट हो उसके साथ। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे करोड़पतियों के बच्चे पढ़ते हैं, वो ऐसे नहीं घुसने देते भाई किसी को। हमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं जाना है। अब मैंने देखा है जो जोधपुर आश्रम या दूसरे आश्रम वाले करते हैं ना प्रचार, वो सिर्फ सरकारी स्कूल्स में जाते हैं, प्राइवेट में मैंने ज़्यादा बड़े स्कूलों में देखा नहीं उनका प्रचार। क्यों नहीं जाते बड़े स्कूल्स में, वो जाते हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं। तो बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं भाई, और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक प्रॉपर अगर मिल जाए लेटर तो बैठे बैठे आप भेजो, घर से भेजो, मेल भेजो, आपको रिप्लाई आता है, आप जाके करवाओ। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास नहीं है।
मेरे पास नहीं है, और मैं अपने माध्यम से कर रहा हूँ जो कर सकता हूँ। मैं अकेला जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मेरे पास सपोर्ट मिलेगा तो मैं और ज़्यादा करूँगा, लेकिन आपके साथ तो किसी का विरोध नहीं। आप जाओ प्रचार करो, गुरुदेव की फ़ोटो का प्रचार करो, गुरुदेव की वेबसाइट, गुरुदेव ने कहा ये मेरी वेबसाइट है www.thecomforter.org, यही वेबसाइट लिखो, सारा कुछ मिलेगा इस वेबसाइट पे। जो भी है, जो 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 व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आप फोटो लेके जाओ। किसी का नंबर कोई नहीं, आपको लगता है कि वहां पर देने से नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरा नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, किसी का फ़ोन मैं नहीं करता, व्हाट्सएप पे फ़ोन पे गॉसिप नहीं करता, मैं करता ही नहीं, बहुत कम फ़ोन उठाता हूँ। लेकिन कोई नया साधक फ़ोन करेगा, कोई नया साधक, कोई नया नंबर आता है, कोई नया साधक आता है, तो मैं उसके साथ बात जरूर करता हूँ। जो पुराने साधक हैं उनके साथ मैं बात नहीं करता ज़्यादा, किसी किसी के साथ कर लेता हूँ ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन पुराने साधकों के साथ फ़ोन पर मेरा कोई संपर्क नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता। मुझे आपको पता चल गया, आप करो, गॉसिप्स के लिए टाइम नहीं। नया साधक कोई आता है, नया नंबर आता है, तो मैं उसको उठाता हूँ, उसको पूरी जानकारी देता हूँ। और कोई व्हाट्सएप आता है, कोई पूछता है, तो मैं उसको सारी रिप्लाई देता हूँ। तो आप मेरा नंबर लिख सकते हो, गुरुदेव की वेबसाइट लिख सकते हो। करो यार प्रचार करो, बढ़ो आगे बढ़ो, डट जाओ मैदान में, जम जाओ, करो कुछ। और अब मैं बात कर रहा हूँ, एक बहन ने एक मैसेज दिया है, पूजा बहन ने मैसेज दिया है, इन्होंने तीन मैसेज दिए हैं, तीनों मैसेज का जवाब देना है। पहला है कि भैया प्रचार तो तभी कर पाएंगे जब हमें सोल्यूशन मिलेगा। पता क्या चक्कर है पूजा बहन, एक बार अगर रियलाइजेशन हो जाए आपको कि आपका गुरु सच्चा है, वो एग्जिस्ट करता है, मेरी समस्या कब सॉल्व होगी ये मेरे कर्म प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी ये धारणा पक्की होगी कि मेरा गुरु है तो मैं उसका प्रचार करूँगा। गुरुदेव के स्वयं के जीवन को आप देखो, गुरुदेव के स्वयं के जीवन को देखो, क्या गुरुदेव बीमार नहीं रहे? गुरुदेव को शुगर थी क्या? एंड में 2014 से लेकर 2017 तक गुरुदेव बीमार नहीं रहे? बहुत बीमार रहे। अब वो बाबा गंगाईनाथ को बोले कि मैं तुम्हारे तुम्हारे मिशन का प्रचार कर रहा हूँ, अपना मिशन बना रही है मैंने इसको, ऋषि अरविंदो का ये सारे का मिशन मैं कर रहा हूँ, 69 से लगा हूँ, जीवन का परिवर्तन हुआ, 1990 से तो मैंने एक बृहस्पति बार भी मिस नहीं किया, एक बृहस्पति बार गुरुदेव ने मिस नहीं किया जिसमें उन्होंने दीक्षा नहीं दी हो। गुरुदेव स्वयं कहते हैं बीच में 6 महीने के लिए उनका प्रोग्राम FIR किया था तो बंद हो गया था, लेकिन गुरुदेव कहते थे मैं अमेरिका भी जाऊँगा ना तो इधर से बृहस्पति बार दीक्षा दे के अगले बृहस्पति बार वापिस आके फिर से दीक्षा दूंगा। एक भी बृहस्पति बार मिस नहीं किया गुरुदेव ने। और गुरुदेव बीमार थे, स्वयं बीमार रहे गुरुदेव, पता नहीं कितने लोगों की बीमारियां लेके रखी थी गुरु ने अपने शरीर पे, और गुरु अपने शिष्यों की बीमारियां लेता है। अब गुरुदेव बीमार है तो क्या कहेंगे गंगाईनाथ जी को, भाई मैं तो नहीं ठीक हुआ अभी तक, मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ तो मैं नहीं करता तेरा प्रचार, तो आपको मिल जाते, हमें मिल जाते गुरुदेव। मुझे गुरुदेव मिले अगर वो बाबा गंगाईनाथ जी को कहते पहले तू मुझे पूरा फिट कर, एब्सोल्युटली 100 साल 1000 साल भी मैं जीऊँ तो मैं मरूँ नहीं, तब मैं तेरा प्रचार करूँगा। ना तो गुरुदेव को मिलते, ना मुझे मिलते, ना आपको मिलते, किसी को भी नहीं मिलते। जब हम कंडीशन रख देते हैं ना कि मेरा काम होगा तब मैं तेरा काम करूँगा, तो वो बिजनेस है, वो ट्रेडिंग है, वो गुरु के साथ ट्रेडिंग है कि तू मुझे ठीक करेगा तभी मैं तेरा काम करूँगा। मुझे पता है कि तू सच्चा है, परब्रह्म है, मैं तेरा नाम जप रहा हूँ, लेकिन मैं काम तेरा तब करूँगा जब तू मेरा काम कर देगा तब करूँगा। ये तो ट्रेडिंग हुई, ये तो गुरु के प्रति ट्रेडिंग हुई। और ये अगर ये डर है, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हम वैसे नहीं बोल रहे, लोग पूछेंगे कि आप ठीक हुए क्या, ये भी तो रीज़न हो सकता है ना आपका, आप ठीक हुए क्या, तो उनको बताओ इस चीज़ के बारे में
कि कर्म प्रारब्ध होते हैं हर किसी के। गुरु मिलने के बाद कोई चमत्कार नहीं होता। जो चमत्कार आप जाके देखते हो ना कि ये चमत्कार से ठीक हो गया, ये आशीर्वाद से निकल गया, वो चमत्कार असली अध्यात्म में वैसे चमत्कार नहीं होते। असली अध्यात्म में परिवर्तन होता है, परिवर्तन में समय लगता है। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता। एक इंसान पैदा होता है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसके जीवन में परिवर्तन होता है, एक दिन से डायरेक्ट बूढ़ा नहीं होता। हर चीज़ में परिवर्तन है, यही ईश्वर का नियम है। एक एक बीज आज लगाते हो तो उसे पेड़ बन के फल देने में वर्ष लग जाते हैं। तो अगर मैं ये कंडीशन रख दूं कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो मैं प्रचार करूंगा। मुझे पूरा यकीन है, मुझे आध्यात्मिक बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, मेरे में अंदर छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जो हाँ शारीरिक बीमारियाँ हैं वो चल रही हैं, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे आता है। आप अपने विश्वास से प्रचार करो। हमने जब प्रचार किया, ये माइक किसका खुला है? मेरा खुला है भैया। हाँ गोविंद जी, 1 मिनट में बात करके फिर आपसे बात करता हूँ भैया। अच्छा, हम जब प्रचार करते हैं जाके तो लोग पूछते हैं, एक एक व्यक्ति है बहुत पहले मुझसे जुड़े थे, वो गुरु के बारे में कुछ पूछना चाहते थे, तो पता नहीं कहाँ से नंबर लिया और उन्होंने फ़ोन किया। उनको सिद्धियाँ चाहिए थी, 2018-19 की बात है। उनको गुरु का ध्यान करना था, सिर्फ सिद्धियों के लिए करना था। अब उनके दोस्त की किडनी की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, लेकिन दिमाग में उनके सिद्धियाँ हैं। तो हमारी ऐसी बहुत सारी अड़चने होती हैं जिसकी वजह से हमारी बीमारियाँ बनी रहती हैं। हमारा विश्वास पूर्ण नहीं होता गुरुदेव पे। आप उनको प्रोसेस बताओ, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन डर किस बात का? डर किस बात का? ये डर नहीं रखना कि वो पूछेगा, नहीं पूछेंगे। जिनको जिनको गुरु ने चुना हुआ है वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप ठीक हुए कि नहीं हुए, इस बात की गारंटी है पूजा बहन। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपका क्या परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, आप स्वयं जो है वो बता दोगे। आप बताओगे कि हाँ इससे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, और आप बैठो, आपका ध्यान लगेगा, आपको क्रियाएं होगी, कई बार समय लग जाता है। बताओ, जिसने नहीं जुड़ना उसने आपसे 100 सवाल पूछने हैं और नहीं जुड़ना, और जिसने जुड़ना है उसने एक भी सवाल नहीं पूछना है। वो पहली मेडिटेशन में कहेगा कि मुझे शांति मिली, मुझे अच्छा लगा, वो खुद कहेगा, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा वो व्यक्ति। हमारे लिए प्रचार में कोई समस्या नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जिन्होंने नहीं जुड़ना है सिर्फ वही प्रश्न पूछेंगे, और जिसने जुड़ना है वो खुद बताएगा कि मुझे अच्छा लगा, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, वो खुद जुड़ जाएगा। ये मैग्नेट है, मैग्नेट से जैसे चिपक जाती है मैग्नेट, वैसे ही काम होगा। और जो धूल है, मिट्टी है, लकड़ी है, वो नहीं जुड़ेगी, उसके 1000 सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते। तो बिल्कुल चिंता मत करो कि आप ठीक हुए कि नहीं। अगर हाँ, अगर ये रीज़न है कि लोग पूछेंगे कि आप ठीक नहीं हुआ, तब ये, अगर आपके ही मन में ये संदेह है कि पहले मैं ठीक हो जाऊं तब होगा, तो फिर नहीं होगा प्रचार। ये गुरु तत्व एक ऐसी चीज़ है जो कण कण में व्याप्त है, ये हमें हर समय एनालाइज करती है, हर समय एनालाइज करती है। हमारे इर्द गिर्द इतने सूक्ष्म संसार हैं जिसमें गुरु तत्व व्याप्त है, वो हर तरह से हमारे अंदर बाहर की जानकारी रखता है कि इसका भाव कैसा है। और इसीलिए भाव से ही सिद्ध योग परिणाम देता है, सिद्ध योग भाव से प्रणीत है, भाव से चलता है। क्योंकि ये जीवन में प्रत्यक्ष मैंने साक्षात्कार किया इस चीज का, और मैंने नहीं, बहुत लोगों ने इसका साक्षात्कार किया है कि भाव से चलता है, वो भाव अंदर प्योर होते ही काम हो जाता है। मैं इसको साक्षात अपने जीवन में देख चुका हूँ। जिस दिन मेरा भाव गुरुदेव के प्रति पूर्ण हो गया, समर्पण हो गया, मैंने कहा बहुत ठोकरे खाली गुरुदेव, अब आपका नाम ही लूँगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगा, किसी के दरबार पे जाके माथा नहीं रगड़ूंगा कि मेरी मदद कर दे, सिर्फ आपके आगे झुकाऊँ, नमस्कार सबको करूँगा, लेकिन मांगूंगा किसी से भी नहीं, मांगूंगा सिर्फ तेरे से, कुछ नहीं। सारी देवी देवताओं के पास चले जाओ, नमस्कार करो, प्रणाम करो, नहलाओ, जो करना है करो, लेकिन मांगना है तो सिर्फ एक गुरु है, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं। सब अपनी अपनी जगह ठीक है, सूर्य है, चंद्र है, शनि देव है, मंगल देव है,
ये देवता है, वो देवता है, ये ईश्वर, भोलेनाथ, सारे सारे देवता है और सब आपको दे सकते हैं, लेकिन मुझे किसी से नहीं चाहिए। मेरा गुरु दे, मुझे सुख दे, मुझे दुख दे, मुझे कुछ भी दे, मेरा गुरु दे बस। वो एक सतनाम बहन ने बहुत अच्छी पोएम लिखी थी, भावें सुख देवी भावें दुख देवी, बहुत अच्छी पोएम लिखी थी। तो कुछ भी दे, बस तेरा हूँ। और जीवन में जब कष्ट आते हैं ना, तब भक्ति के रंग निकल जाते हैं। असली भक्ति क्या है पता उस समय चलता है जब जीवन में दुख आते हैं, जब जीवन में परेशानियाँ आती हैं, जीवन में बीमारियाँ आती हैं, तब तो असली असली पिटाई होके तब असली रंग निकलता है कि रंग गुरु का चढ़ा भी है या ऊपर ऊपर से था। तो रंग की भी टेस्टिंग होती है, आपकी टेस्टिंग होती है। हमने मान लिया या हमने मान लिया, हमें पता है कि हमने समर्पण कर दिया गुरुदेव, लेकिन हमें जानाने वाला कौन है? वो ईश्वर है। कि तुम्हें बता भी देता हूँ, तूने मान लिया है कि तूने रंग पहन लिया गुरुदेव का चोला, अब ये पक्का रंग है ना कच्चा रंग है, इसकी धुलाई भी करके देख लेते हैं। तो धुलाई करेंगे, रंग उतर गया तो पता चल जाएगा, छोड़ के चले जाओगे। पहले पहले बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बहुत अच्छा दिखेगा, सब कुछ होगा। 3 महीने बाद बीमारी लौट के आएगी या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो छोड़ दोगे। ऐसे हैं, लाखों होंगे ऐसे जिन्होंने करने के बाद छोड़ दिया। पहले पहले कहा हाँ मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दिखा वो दिखा, फिर 3 महीने बाद नहीं जी काम बना नहीं, जी बात बनी नहीं। ऐसे हैं, लिटरली हैं, ऐसे लिटरली ऐसे लोग हैं। रंग, नकली रंग उतर जाता है, असली नहीं उतरता। तो ये धुलाई भी होती है। इसीलिए अपने अपने अगर आपने सच्ची में गुरुदेव को ये मान लिया है कि तू है, मेरा काम बनता है या नहीं बनता है ये मेरे कर्म प्रारब्ध है, लेकिन तू है इस बात की गारंटी है, तब प्रचार करने जाओ। कौन क्या सवाल पूछता है, नहीं जवाब दे सके ना, मत दो, कोई बात नहीं, फिर भी प्रचार करना है, क्योंकि वो है। इस अगर इतना विश्वास हो चुका है, गुरु तत्व की बात कर रहा हूँ, गुरु तत्व पे कि वो है, वो कार्य करता है, तो जाओ, तो प्रचार करो। तब कोई क्वेश्चन हमारी तरफ से अराइज नहीं होना चाहिए। अगर होता तो गुरुदेव का बाबा गंगाईनाथ के प्रति प्रश्न होते। गुरुदेव ने इसीलिए कहा अपनी स्पीच में, गुरुदेव ने कहा कि जैसा शिष्य मैं गुरुदेव को मिला अपने, वैसा शिष्य मुझे नहीं मिला कोई। ये गुरुदेव ने कहा, इसीलिए कहा कि हम कंडीशन रखते हैं। मैंने 5 साल रखी कंडीशन, 5 साल मैंने रखी कंडीशन। जिस दिन मेरा साक्षात्कार हुआ ना संतोष के तत्व से, संतोष क्या होता है, तब तक मुझे याद है। मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मैं आपका प्रचार तभी कहूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज तक नहीं हुई ठीक, आज तक नहीं ठीक हुई, ये 2019 की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो संतोष जब प्रकट हुआ तो उसने यही सबक सिखाया मुझे कि संतोष एक ऐसी चीज़ है जो तब प्रकट होती है जब तुम सब जगह से अधूरे हो, और संतोष तुम्हें पूर्ण कर देता है। संतोष तब प्रकट नहीं होता जब सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं, सारे काम फिट हो जाते हैं, संतोष प्रकट नहीं होता। संतोष तभी प्रकट होता है जब सारा कुछ अधूरा है, तब संतोष प्रकट होता है, क्योंकि उसका महत्व तभी है। अगर सारी चीज़ें पूर्ण हो गई, बीमारियां ठीक हो गई, दौलत मिल गई, सब काम हो गया और संतोष प्रकट हो गया, तो मैं गारंटी देता हूँ वो संतोष नहीं है। जब सारे काम अधूरे हैं, बीमारी अधूरी है, तब संतोष प्रकट होगा, तब उसका वैल्यू पता चलेगी। पैसा चाहिए उससे पहले संतोष प्रकट हो गया, उसके बाद नहीं। संतोष का अर्थ है कि आज इस वक्त इसी स्थिति में मैं जैसा हूँ, तेरा जैसा हूँ वैसा ही पूर्ण बेस्ट कंडीशन में हूँ। इससे अच्छी कंडीशन नहीं हो सकती, इससे बुरी हो जाए तो पता नहीं, लेकिन ये बेस्ट है। आज इस समय इसी क्षण बेस्ट, इससे उत्तम नहीं हो सकता मैं ना। मुझे पास्ट में तो पास्ट तो गुजर गया, उसका तो मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकता। आज मुझे छोले भटूरे खाने हैं या राजमा खानी है, मुझे आज राजमा हजम नहीं होती, मुझे गैस हो जाती है या फिर मेरे बदन में दर्द होता है, पहले खा सकता था। तो पहले वाला तो या कुछ काम का नहीं है, तो पास्ट तो निकल गया, फ्यूचर जो है उसका पता नहीं मुझे। इस समय प्रेजेंट के समय अगर
प्रकट होता है संतोष, तो ही संतोष की वैल्यू है। फ्यूचर में आता है तो मैं फ्यूचर किसने देखा? जितनी भी क्लेश आपके शांत होंगे, गुरु के प्रति धारणा पक्की होगी, तो आज में होगी, अभी में होगी, कल धारणा पक्की नहीं होगी, परसों भी नहीं होगी, 10 साल भी नहीं, 20 साल भी नहीं होगी, आज ही होगी, इसी समय होगी, इसी क्षण होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। उसकी घटना उसी क्षण घटेगी और अपूर्णता में घट के उस अपूर्णता को पूर्ण करेगी, क्योंकि जिस पूर्णता की बात हम सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। अगर होता तो हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं। वो तो हर रोज नई सिचुएशन आएगी, हर रोज नहीं, वो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। एक बीमारी ठीक हो जाएगी तो शरीर है तो दूसरी आ जाएगी। जब तक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता आपका, तो आप क्या वेट करोगे कि मेरा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा? अगर आपकी साधना ही आगे नहीं बढ़ी तो आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर संतोष प्रकट नहीं हुआ तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अगर सत्य प्रकट नहीं हुआ तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अपरिग्रह प्रकट नहीं हुआ तो नहीं होगा। शौच प्रकट नहीं हुआ, तप प्रकट नहीं हुआ, स्वाध्याय प्रकट नहीं हुआ, ईश्वर प्रणिधान प्रकट नहीं हुआ, और ये सारी चीजें अपूर्णता में घटित होती है, पूर्ण होके नहीं घटित होती। अगर मैं वेट कर रहा हूं कि मैं हो जाऊंगा ठीक तब, तब तो कभी नहीं होगा। ये मैं आज अपने नाम से लिख के देता हूं, अहंकार समझ लो मेरा इसको। अगर ये अहंकार समझना है तो अहंकार समझ लो, अगर गुरु प्रति समर्पण समझना है तो समर्पण समझ लो, अगर मेरा कॉन्फिडेंस समझना है तो कॉन्फिडेंस समझ लो, अगर मेरा सिद्ध योग में अभी तक की लर्निंग समझनी है तो लर्निंग समझ लो, जो नाम देना दे लो, लेकिन मैं अपना नाम लिख के दे सकता हूँ कि अगर हम सोच रहे हैं कल घटित होगा तो नहीं होगा, जो होना है आज ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई परिवर्तन कल नहीं घटता, आज घटता है, अभी घटता है, इसी समय घटता है, यही चेंज है। तो प्रचार करो, कल प्रचार नहीं हो सकता, आज ही होगा, आज ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं आपको सिर्फ ये ऐसा सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपको कोई पंप दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैंने खुद किया है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद किया है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और मैंने खुद महसूस भी किया कि अब मैं बीमार हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी कब ठीक होगी? नहीं होगी तो ना होगी, भाड़ में जाए। इस रीढ़ की हड्डी को कसौटी बना के मैं अपने गुरु के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। मुझे अपना गुरु ज़्यादा प्रिय है। मेरी आंत का प्रॉब्लम है, वो ठीक होगा नहीं होगा क्या होगा, भाड़ में जाए, मेरे और मेरे गुरु के बीच में ये ट्रेडिंग नहीं चल सकती। या मेरा कोई सिस्टम खराब है या कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम, मेरे और मेरे गुरु के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। वो है और मुझे इसका पूर्ण यकीन है, और मैं चिल्ला चिल्ला के दुनिया के सामने कह सकता हूँ, चाहे दुनिया मुझसे लाखों करोड़ों सवाल पूछे, चाहे मैं उनके एक भी सवाल का जवाब ना दे पाऊँ, तब भी मैं उठ के यही कहूँगा कि आप ध्यान तो करके देखो, एक बार आप करके देखो। मैं अभागा, मुझे गुरु तो मिल गया लेकिन पता नहीं मेरी बात किसी वजह से नहीं बन रही होगी, लेकिन आपकी बन जाएगी, मुझे इतना यकीन है कि वो सच्चे दिल वाले को पकड़ लेता। हो सकता है मेरे दिल में कोई खोट हो जो मुझे नहीं पकड़ रहा, आपको जरूर पकड़ लेगा, आपका दिल सच्चा होगा तो जरूर पकड़ लेगा, आप ट्राई करके देखो। ये कहने में तो कोई हर्ज नहीं जाता, लेकिन मुझे यकीन तो होना चाहिए कि जिसका नाम मैं दे रहा हूँ, अगर उसको भी नहीं पकड़ा, 100 लोगों को दिया, 100 को नहीं पकड़ा, तब भी 101 के पास यही कहूँगा जाके, हम सब खोटे दिल के हैं, हमारे सबके दिल में मैल है। हो सकता है आपका दिल साफ हो, पकड़ के देखो, पकड़ देगा वो। तो ये कॉन्फिडेंस, ये धारणा अगर आपकी गुरु के प्रति होगी, तब आपका काम होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं मैं देता कि फिर आप ठीक हो जाओगे, कुछ हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ में विश्वास नहीं करता। अब पहले करता था, अब नहीं करता। अब कोई समस्या हो जाए तो उसका नाम लेते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव ऐसी समस्या है, अगर नहीं भी ठीक होती ना तो उसके प्रति विश्वास कम नहीं, यही हमारे लिए सही होगा। अगर मेरे नुकसान में ही मेरा भला है तो मेरा नुकसान होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भलाई कर रहा है, क्या पता क्या तोड़ना है क्या जोड़ना है उसने। और वो हमें रोग मुक्त करने नहीं आया गुरु बहन, वो हमें जीवन मुक्त करने आया है। अगर हम रोग की कसौटी पे उसको तोलेंगे ना तो वो हमेशा हल्का पड़ जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी फिर। लेकिन अगर उसकी वैल्यू डालनी है
तो आत्मा के रूप में डालो, तो उससे भारी कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रचार करने के लिए कंडीशन नहीं, विश्वास, धारणा। और ये अष्टांग योग का सातवां अंग है। जिस दिन आपकी धारणा पक्की हो गई ना, उस दिन आपके परिवर्तन को ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे आपके कर्म कितने भी कैसे भी हैं, जिस दिन धारणा पक्की होगी कि वो है, मेरा काम हो रहा नहीं हो रहा छोड़ो, वो है और उसका प्रचार मैं करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें मुझे, फिर भी अगले दिन उसी उत्साह से। और अगर कोई नहीं माना, अगर आपने प्रचार किया 100 लोगों को, 100 लोग नहीं माने, आप अगले दिन मायूस होकर बैठ गए, किसी ने तो माना नहीं, दिया तो था, तो समझ लो आपकी धारणा पक्की नहीं। आप उन लोगों पे विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि उन्होंने आपकी धारणा तोड़ दिया। आप अपने गुरु पे कम विश्वास करते हैं। अगर गुरु पे ज़्यादा विश्वास होगा तो कहे भाई कल वाले 100 लोग तो निकम्मे मेरी तरह, अगले 100 देखते हैं, इनमें से कोई मिल जाए गुरुदेव को। 1,00,000 लोगों को बताओ, वो ना माने तो भी निराश नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कि वो सकारात्मक ना हो और सिर्फ सकारात्मक लोग ही जुड़ेंगे। तब भी अगले दिन मायूस होकर नहीं बैठना कि यार जुड़े नहीं। अगर ऐसा सोचते हैं जुड़े नहीं, तो हम गुरु पे, गुरु की डिसीजन पे हम लोग सवाल उठाते हैं। धारणा कमज़ोर है। धारणा पक्की उसी की है जो सुबह शाम दिन रात आज कल परसों जो भी है, उसने एक ही धारणा बस है जी, नहीं नहीं हाँ है जी, अगले दिन भी उसने लेके निकल जाना है। जो काम करता है वो करते रहना, उसमें कभी नहीं टूटती उसका विश्वास, किसी भी एंगल से उसका विश्वास नहीं टूटता। ये पक्की धारणा है। ऐसी धारणा होगी तो पार पड़ जाएगी, जरूर पड़ेगी, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला जो है उसको लाज रखनी है अपने गुरु तत्व की। नहीं तो जो चांद और सूरज उसके डर से उगते हैं ना और अस्त होते हैं, तो उनको कोई डर नहीं रहेगा उसका। बोला ये एक सच्चा इंसान है जो इसका प्रचार कर रहा है, लेकिन आज तक उसकी धारणा को बल इसने नहीं दिया, तो ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। सूरज अगर सोचे मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये मैं क्यों डरूं। ग्रह सारे बोलेंगे अरे भाई अपने हिसाब से चलेंगे, हम क्यों डरे इससे, ये सुनता नहीं है, ये बहरा है, देखता नहीं है, वो एक इंसान है सच्चे दिल से लगा है। जब उसका नहीं सुन रहा तो हमें भी नहीं देख रहा होगा, हम भी अपनी मर्जी से करें सारा काम, हम भी फ्री हैं, तो सारे देवी देवता अपना अपना साम्राज्य कायम करेंगे, क्योंकि वो ईश्वर जो एक सत्ता है, जो जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये एटम बम की तरह है, एटम बम जब तक है ठीक है, जैसे ही वो टूटा वो तबाही विस्फोट, तो ईश्वर सत्ता है और उसको अपना बचाना है, उसको वो बचाएगा, लेकिन तब जब आप अपनी तरफ से कुछ गलती मत करो, बस अपनी तरफ से। अगर प्रश्न गुरु के आगे प्रश्न रखना यानी कि संदेह है। प्रश्न कहाँ रखते हैं, जहाँ आध्यात्मिक उन्नति में, जैसे आपका क्वेश्चन है कि चित्त क्या है गुरुदेव, ये जो ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है, जो जिज्ञासा है उसको जानने की, वो जितने मर्जी प्रश्न रख लो, जितने मर्जी उसके पास रख लो, वो आपके सारे प्रश्नों का जवाब देगा। लेकिन जहाँ पर उसके धारणा के प्रति कमी आ गई कि मैं पहले मेरा काम हो जाए तभी मैं दुनिया को बता सकता हूँ, दुनिया सबूत मांगेगी, मांगने तो दुनिया का काम ही यही है। आप अपने दिल से पक्के हो जाओ, धारणा पक्की हो जाओ और सारा काम करते रहो, सबूत लेके मत जाओ, सबूत वो अपने आप प्रकट करेगा। लोग वेट कर रहे हैं कि वो तू कब आएगा। प्रार्थना करते हैं रोज कि भगवान गुरु मिला दे, भगवान गुरु मिला दे। आपको पता है कहाँ कहाँ प्रार्थना हो रही है, लेकिन आप तो बैठे हो घर पे, मेरा काम हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पे प्रार्थना करता है, भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के, कृष्ण के मंदिर में बैठ के, हॉस्पिटल के मंदिर में बैठ के। मेरी माँ ने खुद बीमार थी, कैंसर की लास्ट स्टेज, लास्ट दिन था उसका जीवन का, वो वेट कर रही थी, गुरु का वेट कर रही थी वो। लेकिन आप जैसा कोई व्यक्ति आया नहीं वहाँ पर, हमें बताने आया नहीं। माँ ने कहा था ये बात, कहती गुरु बचा लेता है बेटा, गुरु ढूंढ, लेकिन कोई आया नहीं मेरे पास। सब बैठे होंगे कि पहले मेरा काम हो जाए तब मैं जाऊंगा। अगर एक भी आ जाता ना, एक भी आ जाता उस दिन मेरी माँ के पास, मेरे पास आ जाता,
तो मैं तैयार था। अब मेरे जैसे पता नहीं कितने बच्चे बैठे हैं अपनी माँ को लेके, पता नहीं कितनी माएँ बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी बहनें बैठी हैं, वेट कर रही हैं, लेकिन मैं बैठा हूँ यहाँ पर कि मेरा काम कर दे फिर मैं जाता हूँ। अब आप अपना हिसाब लगा लो कि हम कितने निकम्मे हो गए। जैसे मेरी माँ मर गई वैसे हजारों की मरेगी, वेट करती करती चली जाएगी। बहुत लोग हैं गुरु बहन जो वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। उनकी मत सोचो जो नहीं मानेंगे, उनकी सोचो जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद सच बोल रहा हूँ, ये मैंने इंतज़ार किया है। मेरी माँ ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। वो फिल्में देखते हो आप, ऐसे माँ को लेके जा रहा है और हाथों में माँ मर जाती है, ये कहती हुई कि गुरु बचा सकता है। ये सच्ची घटना है मेरे जीवन की। मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई तब भी नहीं कोई आया हॉस्पिटल को। रात को 10:30 बजे नंगे पैर मैं पूरी सड़क पे दौड़ रहा था मदद के लिए। ये भी सच्ची घटना है मेरे जीवन की। तब भी कोई नहीं मिला मुझे, मैं इंतजार करता रहा, कोई नहीं आया। तो और कोई इंतजार कर रहा है कहीं? तो इसलिए आप पहुंचो। आपका इंतजार कर रहा है कोई, है एक ही होगा, लाखों में एक ही होगा ना, उसके पास पहुंच जाएंगे ना। तो उसकी माँ उसके पास रहेगी, उसका बाप रहेगा, क्योंकि वो सच्चे दिल से वेट कर रहा है, सच्चे दिल से वेट कर रहा है। ठीक है, ये यही है बस। अब ये सोच के अगर आप निकलते और कभी निराश नहीं होते प्रचार करने के बाद, तो तभी हम सच्चे शिष्य हुए, तभी हमने अपना अपना फर्ज निभाया। गुरु हमसे कभी कुछ नहीं मांगता। गुरुदेव ने इतने लोगों को ठीक किया, एड्स ठीक हो जाता था ना, तो गुरुदेव क्या कहते थे, गुरुदेव आप किसी को बताना नहीं, बदनामी हो जाएगी। गुरुदेव कहते ठीक है मुझे ज़रूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताता। सोचो एक व्यक्ति आज कोई जुकाम भी ठीक कर देना, तो वो उसको रिकॉर्ड करता है, वीडियो से वीडियो रिकॉर्ड करो, डालो सोशल मीडिया पे, डालो देखो ठीक हो गया, देखो मैंने ठीक कर दिया इसको। और गुरुदेव ने एड्स ठीक कर दिया, कैंसर ठीक कर दिया, और लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं करवा सकता, मैं नहीं दे। गुरु कहते ठीक है कोई बात नहीं जाओ। एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ प्लेन लैंड किया उसने, गुरुदेव ने उससे पूछा एलिजाबेथ अब तू बोल सकती है क्या, तो बोली ये ईसाई मुझे खा जाएंगे। गुरुदेव ने कहा हाँ बेटा ठीक है कोई बात नहीं। जिस शिष्य ने मना कर दिया, गुरुदेव ने पूछा मना कर दिया, गुरुदेव ने हाँ बेटा ठीक है, लेकिन गुरुदेव ने उसको बाद में खराब कर दिया या बीमार हो गया ऐसा नहीं हुआ। ऐसे शिष्य आए गुरुदेव के पास, गुरुदेव ने कभी, गुरुदेव कहते थे देखो एक वीडियो में गुरुदेव ने कहा है जितने एड्स पेशेंट हैं उन सबका आप लिख लो छापो, लेकिन नाम नहीं छापना, क्योंकि आदमी बदनामी से डरता है। वो कैसा महान संत हुआ है, लोग उस चीज़ को बढ़ा बढ़ा के, एक कोई एड्स ठीक कर देना, जितने भी बैठे हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, जितने भी गुरु बैठे हुए हैं, एक ठीक कर देना तो उसको पूरा प्रचार करेंगे। गुरुदेव ने कहा ना नाम नहीं छापना बच्चे का, बदनामी हो जाएगी। तो गुरुदेव ने ऐसा बहुत कुछ किया है जो हम नहीं जानते, हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने लोग ठीक हुए हैं। अगर वो ठीक नहीं होते तो मेरे तक गुरुदेव इतनी दूर नहीं पहुंचते, कहाँ राजस्थान, कहाँ बीकानेर, कहाँ मैं बैठा कलकत्ता में। और मैं आपको और बात बताऊं, मुझे जब पता चला तो मुझे बताने वाले ने कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला अगर गुरु ढूंढ रहे हो तो रामलाल जी सियाग एक अच्छे गुरु है, आप देख सकते हो, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला मुझे। क्यों? क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, मैंने 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा था भोलेनाथ का, कि भोलेनाथ अब बहुत हो गया महामृत्युंजय, अब आपसे होता नहीं काम आपकी लिमिट हो गई है, अब आप मुझे गुरु दो। अब मैंने देख लिया आप मेरा काम नहीं कर रहे तो मुझे गुरु दो। तब भी आराधना मैंने भोलेनाथ की ही की, तो भोलेनाथ ने और तो कुछ नहीं दिया, गुरु जरूर दे दिया मुझे। तो मैंने आराधना करी, गुरु को ढूंढ रहा था मैं, तब वो व्यक्ति गुरु से जुड़ा भी नहीं, वो गुरु से जुड़ा भी नहीं उसको पता था, उसने बस एक वीडियो में बोल दिया कि हाँ आप ढूंढ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, बस इतना ही काम। मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा उससे,
कोई मेल नहीं कुछ नहीं कि तू ठीक हुआ है भाई, तुझे कैसे पता, कुछ नहीं पूछा मैंने, मुझे पता चला, मैंने खोजा और मैंने किया। ऐसे ही पूजा बहन बहुत सारे लोग हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा वो इंसान, वो इंतजार कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेना, 200 फोटो बांटेंगे ना, अगर एक भी मिल जाए ऐसा, तो आप जान नहीं सकते हो कितना उसका जीवन, एक जीवन को बचा लेना ही। अगर हमने ये काम कर दिया तो गुरु के सामने खड़े रहेंगे, गुरुदेव एक के पास तो पहुंचा था, एक तो कनेक्ट कर दिया था गुरुदेव, तो गुरुदेव हाँ बेटा एक तो कनेक्ट किया तूने, तू मेरा शिष्य हो गया, तू मेरा शिष्य हो गया। और जो गुरु का शिष्य हो गया वो कहीं भी जाएगा ना, तो वो उसके यहाँ पे मोर रहेगी गुरु की, आप किसके शिष्य हो। एक शिष्य कनेक्ट कर दिया ना, तो मैं शिष्य बन गया, मेरे को वो लेटर मिल गया गुरुदेव का कि ये मेरा शिष्य है। ठीक है, तो यही बात है। इसीलिए ना गुरुदेव ने दादा गुरुदेव को कोई प्रश्न पूछा, ना मैं पूछूंगा। कुछ भी मेरे जीवन में घटित होता है, मैं ज्ञान जरूर पूछूंगा, गुरुदेव ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो बच्चों के सवाल होते हैं कि तुझे जानना है, थोड़ा सा, पूरा तो नहीं जान सकते, इतना जान ले कि स्वयं को जान सके, वो पूछ सकते हैं। बाकी जो संसार में चल रहा है, शरीर में चल रहा है, खाना पीना दाना पीने जो चल रहा है, कभी है कभी नहीं है, ठीक है, क्या बात है, ठीक है, चलो। तो ये ऐसे चलो, साधना को ट्रेडिंग में नहीं, साधना कोई ऐसा धन नहीं है कि हम उसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। साधना बस एक एक सहारा है, जीने का सहारा है, जैसे अंधे की लाठी होती है, ठीक है, तो अंधा अपनी लाठी को बेच के खाना नहीं खा सकता, राइट, तो वो उसका सहारा है, वो उसके पास है, वो उसको रास्ता दिखा रही है, वो लकड़ी की हो सोने की हो उसे फर्क नहीं पड़ता अंधे को। तो मेरी साधना कैसी चल रही है, वो बस मेरे पास रहे, मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज़ जैसे अंधे की लकड़ी, वैसे राजशिव की साधना, राजशिव आपकी साधना वैसी प्रिय होनी चाहिए। बाकी जो होता है होने दो, जो कोई कुछ बोलता है बोलने दो, बस अपना काम कर 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 लेंगे हम लोग, ठीक है गुरु बहन। पूजा बहन, अगर भी आपको लगता है कि मैंने बकवासी की है, जोर जोर से चिल्लाने से कुछ होता नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप मुझे दें प्रश्न, मैं फिर से कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब गोविंद भाई कुछ बोल रहे थे। भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गोविंद जी। भैया पढ़े लिखे आदमी नहीं है इंटरेस्ट लेते, पता हाँ नहीं क्या बात है। मैं तो पूरी तरह से लगा, मेरा मुझे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है किसी भी तरह का, पर बस एक यही बात है, हाँ नहीं जुड़ते, जुड़ना ही नहीं पढ़े उनको, लिखे वही बात है, आदमी नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते गोविंद जी, कई लोग नहीं जुड़ते, कई लोग नहीं जुड़ते। मैं भी कुत्ते की पूंछ हूं, हाँ मैं भी लगा ही रहूंगा। हाँ बस वही बात है। बस हाँ यही कहना चाह रहे थे भैया, जी, हाँ और जी, मैं बस कह रहा हूँ मेरे बारे में, भैया मेरे बारे में खूब तुम कहो, मेरे पास सब कुछ आया है, गुरुदेव ने सब कुछ दिया है मुझे, हाँ कुछ दिया है मुझे, सबसे बड़ी बात मुझे जो मेरा गुस्सा था ना, क्रोध मनोमुझ लोभ मद माया कुछ भी ना रहा मेरे पास, हाँ तो और मेरी आंखें ठीक होगी, कितना बड़ा, कितना हाँ बड़ा खूब कहता हूँ, खूब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहता हूँ, लोगों को बताता हूँ, मैंने कहा ये मेरा पहले का वीडियो है, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हाँ फिर भी नहीं और मुझे फिर मानते। भी समझ में नहीं आता। मैंने मैंने बहुत कोशिश की, मैं बड़े अमीर लोगों के पास गया कि, नहीं लेकिन वो नहीं मानते, वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बच्चे हो। मैंने कहा हाँ बच्चा ही, नहीं भैया, एक बहुत मल्टी मिलियनर आदमी, 10-15 हजार करोड़ का आदमी है, उसकी अरे बीमारी है, पर वो हाँ अपने गुरु को छोड़ने के लिए या नहीं, हाँ नहीं मानेगा वो, नहीं मानेगा। आप मैंने एक ही बात हुई, मैंने कहा, मैंने उसने मेरे साथ जो गया था उसने कहा कि ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे ऐसे हैं, फिर उसकी कंडीशन मेरी जो पहले थी ना वही कंडीशन थी उसकी, अच्छा, उसने कहा, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो पर वो पर मैं उसने उससे जब ये कहा ना कि आपने गुरु एक ही बनाना पड़ेगा, उससे तब उस
जानकारी मतलब नहीं है उस ना, जानकारी नहीं है। मेरे उसने वही तो मेरी जो हालत थी ना, लाखों रुपए खर्च कर दिया पर उसको कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ तो ये कुछ दिन पहले हमने प्रचार किया तो हमें एक व्यक्ति मिले, जी उन्होंने ध्यान किया, उनको ध्यान में उनके पुराने गुरु दिखे और उन्होंने कहा कि अब आगे से तू इनका ध्यान करेगा, मैंने तेरे लिए इसी गुरु को चुना है, अब आगे की यात्रा ये करवाएगा। ऐसा उनके पहले गुरु ने, देखो वो भी गुरु थे लेकिन उन्होंने ध्यान किया ना, देखिए क्या होता है। मेरे गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा पक्की है, अगर कोई बेहतर मिलेगा तो मेरा गुरु मुझे बताएगा कि ये तेरे लिए बेहतर है। तो अब नहीं मानना किसी ने, गोविंद जी नहीं मानना, अब कुछ किया नहीं जा सकता। ये बात है, तुझे तो है तो भैया, हाँ पर अपन मैंने अपना कहा काम। तुम्हारा क्या कर सकता हूँ मैं। नहीं मानते लोग, नहीं मानते लोग, बड़े परेशान होते हैं बीमारियों से, उनको बताओ लेकिन उनको नहीं चाहिए। मैंने देखे हैं लोग ऐसे। एक बार एक बहुत गरीब आदमी से मिला मैं, बड़ा परेशान था। मैंने कहा भाई देख, देने के लिए तेरे पास, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, लेकिन मैं तुझे एक नाम देता हूँ, तू उस नाम को जपेगा ना तो तेरा काम हो जाएगा, तेरे तू स्थिति से निकल जाएगा धीरे धीरे। मैंने कहा दूँ नाम? दूँ? बोला नहीं। मैंने कहा क्यों, इस स्थिति से निकलना नहीं तुझे? बोला नहीं। और इतनी भैया मुझे दरिद्रता में पैसे, वो मुझे व्यक्ति पहले भी है, कहता था आपने। इतनी दरिद्रता में वो व्यक्ति था लेकिन उसने कहा नहीं। और एक और व्यक्ति मुझे मिला, वो देखता था कि मैं गुरु का ध्यान करता हूँ, मेरे जीवन में बदलाव हो रहा है ये भी उसको मालूम दिख रहा। तो मैंने उसको कहा भाई कर ले ध्यान, बोला नहीं। फिर एक साल बाद उसका मुझे मैसेज आया, उसकी समस्या वैसी ही थी, वैसी समस्या थी। तो मैं बोलता हूँ ध्यान कर जी लो, नहीं ध्यान नहीं करना हमको, हमको तो पैसा चाहिए, एक ही कंडीशन है, हमको तो पैसा चाहिए, हमारी समस्या सिर्फ पैसा सॉल्व कर सकता है। मैंने कहा पैसा कोई समस्या सॉल्व नहीं करता, पैसा समस्या बढ़ाता है। समस्या बढ़ाता ही है भैया। ठीक है, तो ज़रूरत देखो, जहाँ जिसको जिसने दिया है ना वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा कसौटी नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं करूँगा, मेरी सेहत ठीक हो जाएगी तो मैं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जिसके पास आना है पैसा आ जाएगा, पैसा गुरु ने जिससे प्रचार कराना है कराएगा, नहीं कराना नहीं कराएगा। वो नहीं रख सकते शर्त। और पता क्या, गुरुदेव बहुत साधक ऐसे होते हैं जिनके जीवन में जिनको नौकरी चाहिए उनको मिलती है नौकरी, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं मिलता या कुछ भौतिक सुख नहीं मिलता, भौतिक सुख मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी जगह सिलेक्शन होता है। हैं ऐसे जिनका गुरु, जिनको गुरु देता है भर भर के देता है और वो आगे प्रचार भैया एक बात करते हैं। बताओ हाँ भैया जी, मैं आपको सत्य कहता हूं, गुरुदेव से नहीं मांगना चाहिए कुछ, वो हाँ अपने आप ही देते हैं, बिल्कुल मांगना नहीं चाहिए गुरुदेव से। बिल्कुल सही बात है। मैंने गुरुदेव से, मैं सच बताता हूँ, आज तक मैंने गुरुदेव के सामने हूँ, मेरे तो मेरे गुरुदेव से मेरे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मैंने गुरुदेव से कभी कुछ नहीं मांगा। हाँ बिल्कुल। केवल रक्षा बंधन के पहले दिन मैंने कहा था, मुझे मैं पूजा कर रहा था और मैं जोर जोर से रोने लगा और फिर मेरे मेरे मुंह से निकल गई कि गुरुदेव अब मेरे मेरी आंखें ठीक कर दो। इससे बड़ा कोई हाँ, चमत्कार ये बोलना मेरा गुरुदेव। वही बात है, ये करुण पुकार तो बिल्कुल करनी चाहिए गुरुदेव को, और सच्चे दिल से अंदर से निकल, और इस बात के लिए गुरुदेव ने कहा है कि वो आपके अंदर से निकलेगा कि तू ठीक कर दे, अब हो गया, अब ठीक कर दे, आपके अंदर से निकलेगा, गुरुदेव ने कहा है ये बात, और वो ठीक कर देगा। हाँ मैंने अपने सेंस में नहीं कहा, मैं सच कह रहा हाँ हूँ, हाँ ऐसा होता है, सच्ची बात है ये, प्रार्थनाएं ऐसी होती है। पता नहीं क्या मैं रोता रहा, फिर मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे अपने पापा से कहता था, तुम्हें हाँ चीज लेते हो उनसे वैसे कहता था मुझे चाहिए, तो हाँ बोला गुरु मेरे पास ठीक कर दो, सही बात, ये कंडीशन नहीं तेरी, सही बात, मैं वो लोगों से अपने आप कहता नहीं आती है, हूँ। करुण प्रार्थना तो अपने आप निकलने वाली प्रार्थना है। हाँ ये हो सकता है, हाँ बाकी जितना हमने प्रचार करना है प्रसार करना है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रख के चले, वही अच्छी बात है। बाकी अब गुरु गुरु ही है सबको बताने वाला, हम तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं लेकिन गुरुदेव जित से मांगना नहीं चाहिए, वो अपने बगैर मांग ही देते हैं, सब कुछ हाँ देते बिना हैं मांगी दे देते हैं और उनको मालूम है सब कब मिलना है। तो भैया, बाकी वो देते वो है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ सही बात है, सही बात हाँ वही देते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। है। अब देखो ना ये कितनी अच्छी एग्जांपल है कि मैं गुरुदेव को कह रहा था गुरुदेव मेरी नौकरी में तरक्की हो, तरक्की हो, गुरुदेव ने तरक्की नहीं दी, संतोष दे दिया। हाँ
बोले जबरदस्त तरक्की आज दूंगा तो एक साल बाद फिर देनी पड़ेगी, एक साल बाद फिर देनी पड़ेगी, ये तो रिपीटेटिव है। तो एक ही बार मैं काम खत्म करता हूँ, संतोष दे देता हूँ, काम ही खत्म हो गया सारी चीजों का। तो उसने वो देना है जो आपके लिए सही है। आपको आज नहीं पता लेकिन पता चलेगा कि यही सही है। अगर वो संतोष नहीं प्रकट होता तो आज मैं बैठ के सेशन नहीं कर रहा होता। चलिए ठीक है, अब बहुत हो गया, आज 8 बज गए हैं, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग एक रेजोल्यूशन लेके गुरु का आगे बढ़ेंगे और रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री, जय श्री, जय श्री राधा, जय श्री, जय श्री।